प्रिय श्रोताओं, सादर नमस्कार। जय अकाल का। आप सभी को कार्तिक माह के संपूर्ण होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को गुरुपूर्व की और कार्तिक पूर्णिमा यानी कि देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि 18 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा शुरू होगी और 19 नवंबर को भी कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली भी है। कार्तिक पूर्णिमा दोपहर 12 बजे को बाद 18 नवंबर को शुरू होगी और 19 नवंबर को 2:00 तक रहेगी। कार्तिक के महीने की बात आती है तो भगवान विष्णु का कार्तिक माह से बहुत गहरा संबंध है। भगवान विष्णु की कार्तिक माह में पूजा की जाती है, देव दीपावली मनाई जाती है। कार्तिक का महीना वैसे भी अपने आप में बहुत शुभ है। इसमें बहुत बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, धनतेरस, दिवाली, आमला नवमी, तुलसी विवाह और देव दीपावली, गुरुपूर्व। कार्तिक में माह में स्नान, दान, तप, पुण्य का बहुत महत्व है। तुलसी में दिया जलाया जाता है, लोग सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, कार्तिक स्नान किया जाता है। ऐसे में लोग हर दिन नदियों का जल डाल करके स्नान करते हैं, घर में गंगा जल का और सभी नदियों के जल का छिड़काव करते हैं। यदि आपके घर के आसपास कोई नदी नहीं है या आपके पास ऐसा जल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर के पास में किसी धार्मिक स्थल का, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, आपके गिरजाघर, इन आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं वहाँ का जल ला करके अपने घर में स्नान कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहाँ के जल में भी पॉजिटिविटी होती है, वहाँ पे ऑरा ऐसा होता है, उस जल से हमें पॉजिटिविटी मिलती है। इस माह में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारे शुभ कार्य, यज्ञ, अनुष्ठान, दान, तप, पुण्य लोग करते हैं। जिस तरह से पहला पड़ाव जो है इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, उसी तरह कार्तिक पूर्णिमा का स्नान जब समाप्त होता है, देव दीपावली आती है, गुरुपूर्व आता है, ये पड़ाव जो आखिरी पड़ाव है इस माह का वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के सुबह और दोपहर में स्नान का बहुत महत्व है और रात के समय दीपदान का बहुत महत्व है। देवों की दीपावली पर आप उसी तरह से दिए जलाइए जैसे आप अपने घर की दीपावली पर दिए जलाते हैं, क्योंकि सभी देवी देवता इस समय बहुत ही प्रसन्न होते हैं और दिवाली मना रहे होते हैं, उनसे हमारा सीधा इम्पैक्ट होता है। अगर पूर्णिमा की बात करें, सत्यनारायण भगवान के व्रत की बात करें, तो पूर्णिमा दोपहर 18 तारीख को, 18 नवंबर को दोपहर 12 बजे से लग रही है। दिवाली तो हम रात के समय ही मनाते हैं, मगर ये जो पूर्णिमा है 19 नवंबर दोपहर 2:00 के बाद तक कुछ समय तक चलेगी, 2:00 तक। तो जो सत्यनारायण का व्रत है वो 19 नवंबर को रखा जाएगा, क्योंकि उदय तिथि पर ही व्रत रखे जाते हैं। इसका कारण ये है कि पूर्णिमा की तिथि दोपहर 18 नवंबर को 12 बजे स्टार्ट हुई थी और 19 नवंबर 2:00 पर संपूर्ण होगी। जैसे कि स्नान का महत्व भोर के समय, यानी कि पूरा कार्तिक के महीने में लोग सुबह 4:00 उठकर अमृत वेले में स्नान करते हैं, उसका बहुत ही महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन यह स्नान समाप्त हो जाता है तो इसमें स्नान, दान, तप, पुण्य बहुत मिलता है। सुबह के समय स्नान करना चाहिए, लेकिन 18 नवंबर को 12:00 दोपहर के समय पूर्णिमा का व्रत शुरू होगा, तो आप 19 नवंबर को इस व्रत को रखें उदया तिथि के समय। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। इस कार्तिक माह को कार्तिक पूर्णिमा का माह भी कहा जाता है। यह विष्णु भगवान से जुड़ा होने की वजह से ये पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन दान, तप, पुण्य जरूर करें। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तब भी आप दीपक दान जरूर करें, दिए जलाएं अपने घर पर, तुलसी जी पर, अपने आसपास कुआं, नदी, बावली पर, अपने घर की चौखट पर, मेन एंट्रेंस पर, घर के अंदर, घर को सुगंधित रखें और इस पूर्णिमा को, इस देव दीपावली को उसी तरह से मनाएं जैसे हम अपने घर की दिवाली मनाते हैं। देवताओं की दीपावली मनाने पर देवता और भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं।
घर में कोई बुजुर्ग हैं या कोई बीमार व्यक्ति है और वो स्नान नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपके घर में जो पवित्र जल है उसका छिड़काव उन पर कर दीजिए और शाम के समय मिष्ठान भगवान को अर्पित कीजिए। घर में कुछ प्रसाद बना करके आप चढ़ा सकते हैं और रात के समय 18 नवंबर को भी आप दीप दान करिए और सुबह 19 नवंबर को 4 बजे भी आप दीपक दान कर सकते हैं। सुबह के समय अमृत वेले के समय जिस समय प्रभात फेरियां होती हैं उस समय पर भी आप दीपक जला सकते हैं, आकाश दीप जलाइए। अगर आपने पूरे कार्तिक में स्नान नहीं कर पाए हैं किसी वजह से तो भी आज के दिन सुबह के समय अमृत वेले भोर के समय पर आप स्नान करके बहुत पुण्य कमा सकते हैं। घी का, तेल का या किसी भी तरह का आपके पास दीपक है उसे ही आप जलाइए और अपने जीवन को प्रसन्न कीजिए, अपने आप को भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए। आप सभी को कार्तिक माह की, देव दीपावली की, गुरुपूर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ दिन पहले मैंने एक भजन सुना था जिसके बहुत ही सुंदर बोल थे, कौन सा मंत्र जपू मैं भगवन तुम धरती पर आओ, विपदा आन पड़ी है सब पर आकर इसे मिटाओ। तो ये वही समय है जब देव दीपावली मनाने सभी भगवान देवी देवता हमारे आसपास हमारे संग हैं। इस समय हमें दान पुण्य तप करके दीपक जलाकर अपने भगवान को प्रसन्न करना है, अपनी की हुई भूलों के लिए क्षमा मांगनी है और भगवान से सीधा अपना कनेक्शन जोड़ना है। आप सभी को इन सभी रिचुअल्स की बहुत बहुत देव दीपावली की शुभकामनाएं। यदि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।